स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। इसी प्रार्थना के साथ कि आप सब खुश रहें, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा 5.2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम, कैसे उसके कनेक्शन होते हैं ये समझना बहुत ही आसान है इस वीडियो में, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर टोटल 8 नंबर ऑफ पैनल्स आएंगे, 8 पैनल रहेंगे, एक स्ट्रिंग रहेगी। यहाँ पर टोटल 2 स्ट्रिंग है, लेकिन आपको सिर्फ मैं अभी एक स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से सेम हमारी दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। जो हमारा रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है, आपस में सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। और लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं ये रेड वाला है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और जो राइट साइड में है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमारी एक पूरी जो स्ट्रिंग है वो रेडी हो गई। इस पूरी स्ट्रिंग की आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक पैनल की आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इस एक पैनल का जो VOC है, वोल्टेज है, वो है हमारा 37.41, और जो करंट है ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है 8.7 एम्पियर है, और इसके आधार में जो हमारी वोल्टेज है वो है 325.467 वॉट। अब इसको हम पूरी सीरीज के साथ कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे सीरीज में हमारी कैपेसिटी कितनी बन गई। हमारा जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग 1 मान के चल रहे हैं इसको, और जो हमारी वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से, 299.28 वोल्ट हो जाएगा। करंट हमारा सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है कनेक्शन, और पावर हो जाएगी इतना 2603 वॉट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं, व्यूज़ तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका थैंक यू। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग बन गया, इसी तरीके से हमारा दूसरा स्ट्रिंग बन जाएगा, और दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग हैं वो हमारे DC-DB में कनेक्ट होंगे। ये पहले स्ट्रिंग का हमारा जो रेड वाला वायर है वो जाएगा उसी तरीके से, फिर हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो आएगा, और ये हमारा MCB में चला गया SPD में। और ये जो DC-DB है पूरा प्रोटेक्शन के लिए है, हमारा जो फर्दर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और सोलर पैनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसमें हमारे SPD लगे होते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं, MCB होते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, और हमारा जो बाकी फर्दर और चीज़ें हैं, करंट, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा एक स्ट्रिंग कनेक्ट हो गया, उसी तरीके से हमारा जो है वो दूसरा स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप जैसे ये, और यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल्स और DC-DB का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। फर्दर आगे चलते हैं, जो हमारा यहाँ से जो सप्लाई है वो हमारी निकलेगी इन्वर्टर के लिए। ये दो इसके आउटपुट हो गए जो इन्वर्टर में जाएंगे। यहाँ तक हमारे पूरा देख लिया था DC-DB में। अब DC-DB से फर्दर जो है हमारा जो इन्वर्टर है उसमें जाएगा। यहाँ पर ग्रोवाट का इन्वर्टर ले लिया है मैंने, और जो दूसरा है वो स्ट्रिंग 2 का है, ये जो मैंने आपको अभी तक का वीडियो है उसके लिए है। और यहाँ से हमारा एक सप्लाई निकली, वो ग्रोवाट में चली गई इन्वर्टर में। इसी तरीके से हमारी एक और इनपुट आएगा, वो दूसरा हमारा। इस तरीके से हमारे जो दो सीरीज हैं वो विद प्रोटेक्शन DC-DB के साथ इन्वर्टर में लग गए। हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन वो फिजिबल तो है बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा बहुत तगड़ा। इनकेस अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ किसी तरह का ओवर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज या फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं AC-DB की। AC-DB यहाँ तक हम अभी तक कर चुके हैं पूरा। ये AC-DB में जो हमारे ये इन्वर्टर का आउटपुट है, जो रेड वाला है हमारा फेज है, और जो ब्लू है वो हमारा न्यूट्रल है, और जो ग्रीन आएगा वो हमारा अर्थ आएगा। और ये दोनों के दोनों MCB में जा रहे हैं, जो कि सीधा अभी सोलर मीटर में जाएंगे। फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये हमारा अर्थिंग कनेक्ट हो गया इसके साथ में। अब बारी आ गई है AC-DB से हमारे मीटर कनेक्ट करने की। मीटर से सबसे पहले सोलर मीटर है, इसको जनरेशन मीटर भी कहते हैं, कई लोग उसको चेक मीटर भी कहते हैं, और दूसरा जो नेक्स्ट है वो बाई डायरेक्शनल मीटर है। ये दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, और यहाँ से हमारा सप्लाई गई सोलर मीटर में, सोलर मीटर से सप्लाई हमारी गई बाई डायरेक्शनल मीटर में, और यहीं से सप्लाई हमारी घर के लिए भी आएगी।
इन्हीं दोनों के बीच में से हमारे घर की सप्लाई आएगी, और जो ये सोलर इन्वर्टर है ये हमारा ग्रिड की तरफ चला गया या फिर डिस्कॉम की तरफ, जो भी आपको सप्लाई दे रहा है उसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ, और यहाँ से दो हमारी सप्लाई आ गई हमारे घर के लिए। इसी तरीके से ये पूरा हमारा जो कनेक्शन है ये पूरा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।